हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो मैक्सिमम दोस्तों तक, अपने दोस्तों और चहेतों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। सभी विद्यार्थी सीट की पेटी बांध करके तैयार रहे, बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का विमान उड़ने के लिए कुछ ही क्षणों में यहाँ से रवाना हो जाएगा। बात करते हैं आज स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में। स्किन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं इसमें पढ़ने वाले हैं, इम्पैटिको के बारे में पढ़ेंगे, स्कैबीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वन बाय वन करके स्कैबीज क्या होता है, सोरियासिस क्या होता है, या फिर इम्पैटिको क्या होता है, इन सभी के बारे में वन बाय करके, या एक्जिमा क्या होता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों को और चहेतों को जोड़ लीजिए इस क्लास के साथ में कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बनाते वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। तो बात करते हैं स्किन डिसऑर्डर के बारे में, स्किन के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो स्किन का डिसऑर्डर होता है मतलब त्वचा से संबंधित कोई भी रोग होते हैं जो कि मेनली उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये पैरासाइट की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, या फिर आपके ऑटो इम्यून हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, या एलर्जी की वजह से हो सकता है। जो मेनली बात करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट बात करते हैं इम्पैटिको के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो अपन डिजीज पढ़ने वाले हैं स्किन डिसऑर्डर में, इम्पैटिको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इम्पैटिको क्या है। बात करेंगे तो इम्पैटिको होती है ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया के वजह से होने वाली एक डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसका पॉजिटिव एजेंट होगा। तो बात करते हैं इम्पैटिको किस किस की वजह से हो सकता है, या तो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर या किसकी वजह से देखने को मिल सकता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिल सकता है, स्टेफाइलोकोकल की वजह से देखने को मिल सकता है। तो या तो स्टेफाइलोकोकस होगा या फिर बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और स्टेफाइलोकोकस में कौन सा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरिया। तो बात करते हैं इम्पैटिको क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें क्या होगा, किस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक इम्पैटिको एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। अब किसकी डिजीज है, तो ये स्किन का एक डिसऑर्डर होता है जिसको मेनली पॉजिटिव एजेंट होता है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से देखने को मिलती है। बात करें ये कहां पर मेनली देखने को मिलती है, तो इट मेनली करता फेस, स्पेशली अराउंड द लिप्स के आसपास या फिर नोज के आसपास में पाई जाती है। तो इट मेनली अफेक्ट द फेस, इट मेनली अफेक्ट द फेस स्पेशली अराउंड द नोज एंड माउथ, नोज और माउथ के आसपास में चारों तरफ पाई जाती है। ये मेनली वो डिजीज होती है बैक्टीरियल डिजीज जो कि मेनली कहां किसको अफेक्ट करती है, तो मेनली फेस को अफेक्ट करेगी और सबसे ज्यादा माउथ और जो नोज होती है उसके अराउंड में पाई जाती है। बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में या इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा कि मैक्यूलोपैपुलर रैशेज बनते हैं। आपने पढ़ा था मैक्यूलोपैपुलर रैशेज क्या होते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैसेस बनेगा। अब यहाँ पर मैक्यूलोपैपुलर रैसेस क्या होते हैं, मैक्यूल और पैप्यूल वाले रैसेस बनेंगे। आपने मैक्यूल पैप्यूल वसाइकल पस्ट्यूल इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर एक अगर क्विक रिवीजन की बात करें, मैक्यूल क्या
मैक्यूल क्या होता है? तो मैक्यूल एक रेड कलर का होगा जो कि मेनली क्या होता है, जब भी आप पालपेट करते हो तो फ्लैट नजर आता है, वहां पर पालपेशन नहीं होता है। बात करें पैप्यूल की, तो पैप्यूल में क्या हो जाता है, वहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और वहां पर देखने में कैसा होगा, जब भी आप उसको पालपेट करोगे तो वो आपको एलिवेटेड एरिया नजर आएगा रेड कलर का। बात करें वेसाइकल की, तो वेसाइकल में क्या होता है, अब यहाँ पर जो पैप्यूल बना था, पैप्यूल में क्या भर जाता है, अगर फुल फ्लूड भर जाता है तो फ्लूड फिल्ड पैप्यूल को क्या इस नाम से जानते हैं, वेसाइकल कहते हैं। और अगर उसमें पस हो जाती है या पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे पस्ट्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल, पस्ट्यूल क्या होता है। तो यहाँ पर मैक्यूलो पैपुलर रेसेस बनेंगे। जो पहले रेसेस बनते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्यूल होते हैं, फ्लैट होते हैं, पालपेट करने पर रेड कलर के नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनमें एलिवेशन होने लग जाता है और वो किसमें डेवलप हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं, पैपुलर रेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करें इट प्रोग्रेस इनटू द वेसाइकल, और धीरे धीरे मैक्यूलो पैपुलर रेसेस क्या होंगे, इट प्रोग्रेस इनटू द, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इट प्रोग्रेस इनटू द वेसाइकल। वेसाइकल का मतलब आपने पढ़ लिया है, वेसाइकल क्या होता है, तो वेसाइकल का मतलब होता है अगर मैक्यूलो पैपुलर रेसेस में क्या भर गया है, फ्लूड भर जाता है, तो इसे वेसाइकल के नाम से जानते हैं, तो वेसाइकल बन जाएगा। और वेसाइकल क्या होता है, फ्लूड फिल्ड हो जाती है और थिक हो जाते हैं। अब वेसाइकल क्या होगा, वेसाइकल रप्चर होता है, और वेसाइकल जब रप्चर हो जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है हनीकॉम्ब क्रिस्टल, हनीकॉम्ब क्रिस्टल या फिर हनी कलर के क्रिस्ट पाए जाते हैं। तो या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हनीकॉम्ब क्रिस्टल पाए जाएंगे या फिर हनी कलर के क्रिस्टल पाए जाते हैं। हनी कलर्ड क्रिस्टल किसमें बनते हैं, तो यहाँ पर मेनली आपका इम्पेटिगो होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि हनी कलर्ड क्रिस्टल किसमें देखने को मिलते हैं। तो हनी कलर्ड क्रिस्टल होता है वो मेनली देखने को मिलेगा, हनी कलर्ड क्रिस्टल होता है किसमें पाया जाता है, तो इम्पेटिगो में देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या हो सकता है, यहाँ पर एरिज्मा हो सकता है, एरिथमा होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग होकर के यहाँ पर क्या हो सकता है, वहां पर ब्लड डिस्कलरेशन हो सकता है। बात करें उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस, प्रूराइटिस का मतलब होता है ईचिंग होती है यहाँ पर, या तो एरिथमा हो जाएगा और उसके बाद में प्रूराइटिस हो जाती है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड को ये इन्वॉल्व कर लेता है, तो लिम्फ नोड ऑल्सो इन्वॉल्व, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर मेनली क्या क्या देखने को मिला आपको, सबसे पहले तो मैक्यूलो पैपुलर रेसेस बने, उसके बाद में वो कन्वर्ट होकर के वेसाइकल में हो गए, वेसाइकल में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड भर जाता है, उसके बाद में वो रप्चर होगा और रप्चर होकर के हनी कलर्ड के क्रिस्ट बन जाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिथमा होगा, प्रूराइटिस होता है जिसका मतलब होता है कि ईचिंग होने लग जाती है, और लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है लिम्फ नोड का। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है और इस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं यहां पर कि मैनेजमेंट इसका क्या देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट में यहाँ पर एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में क्या क्या दे सकते हैं, तो एंटीबायोटिक में मेनली यहाँ पर म्यूपिरोसिन का ऑइंटमेंट लगाया जाता है, म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट लगाते हैं यहाँ पर। और बात करें अगर इसके अलावा, तो यहाँ पर आपका ऑगमेंटिन दी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, ऑगमेंटिन देते हैं। ऑगमेंटिन में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर इसमें मेनली देखने को मिलेगा एमोक्सिक्लेव और पोटेशियम आता है, मेनली किसमें देखने को मिलेगा ऑगमेंटिन में। ऑगमेंटिन क्या होता है, एमोक्सिक्लेव और पोटेशियम देखने को मिलता है। आगे बात करें यहाँ पर, अब इसका प्रिवेंशन करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको करना है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे तो ये कौन सी डिजीज होती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, इसलिए इसको मेंटेन द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो बात करें अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए कि नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या होगा, इम्पेटिगो का, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है कि इम्पेटिगो का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कैन स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, जो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज करने हैं, सावधानियां बरतनी है। अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको ग्लव्स पहन के, गाउन पहन करके उसको टच करना होता है, डायरेक्टली उसको आपको
टच नहीं करना है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है, आप में भी हो सकती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें यहाँ पर, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, आपने एंटीबायोटिक दे दी है तो इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट की बारी आती है। तो ये क्या है, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, तो उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस को मेंटेन करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में मेंटेन करना है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो मेंटेन करेगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस को मेंटेन करके रखना है। ऑल द क्लॉथ हुए, बेड शीट हुए, लीलन हुए, सभी को यूटेंसिल्स जो भी यूज किए जाते हैं पेशेंट के द्वारा, उनको सेपरेट रखना है। बात करें आइसोलेशन का, तो सबसे ज्यादा इसमें आइसोलेशन की बात होती है कि आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आइसोलेशन इसको करना पड़ेगा, लेकिन बात करें आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक। आपने अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया है तो उसके 48 घंटे के बाद में आपको आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आइसोलेशन होता है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है, क्वारंटाइन होता है फर्स्ट या प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। तो बात करें यहाँ पर आइसोलेशन इसमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 48 घंटे के बाद में इसको आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो 48 घंटे तक इसको आपको क्या करना है, जब तक आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करी और एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 48 घंटे के बाद में यहां पर आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वार्म सलाइन कंप्रेस को यूज किए सकते हैं, रिमूव द हार्ड क्रस्ट, अब यहां पर जो हनी कलर्ड के गिस्ट बने थे उनको हटाने के लिए वार्म सलाइन का यूज किया जाएगा। तो वार्म सलाइन इज यूज्ड फॉर टू रिमूव द हार्ड क्रस्ट, जो भी हार्ड क्रस्ट जम के बने हुए थे उन हार्ड क्रस्ट को हटाने के लिए आप वार्म सलाइन का यूज कर सकते हैं, गर्म सलाइन को यूज कर सकते हैं। वार्म सलाइन से आप उसको क्या करते हैं, डिप गॉज में डिप करके और स्टेराइल गॉज से उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, इम्पेटिको है। इम्पेटिको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि स्किन का डिजीज होता है, मेनली कॉजेटिव एजेंट होता है इसका स्टेफाइलोकोकस ओरियस और बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई देखने को मिलेगा। ये मेनली अफेक्ट करती है फेस को और उसके माउथ के और नोज के आसपास देखने को मिलती है। मैक्यूलोपैपुलर इसमें रैशेज बनते हैं जो कि धीरे-धीरे किसमें डेवलप हो जाता है, वेसाइकल में डेवलप हो जाएगा। और वेसाइकल होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड भर जाता है जब मैक्यूल में तो उसे वेसाइकल के नाम से, पैप्यूल में जब फ्लूइड भरता है तो उसे वेसाइकल के नाम से जानते हैं। आगे बात करें वो रप्चर हो जाएगा वेसाइकल और ये हनी कलर्ड क्रस्ट का हनी कलर्ड क्रिस्ट बना लेता है। अब हनी कलर्ड क्रिस्ट होगा, प्रोराइटिस होती है, एरिथमा होगा और लिम्फ नेट का इन्वॉल्वमेंट होता था। बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट की, तो एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं जिसमें लूपेरोसिन और द ऑगमेंटिन वगैरह का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का यूज करना होता है और जो भी इसके शेयरिंग करने वाले होते हैं, जैसे आपके क्लॉथ हुए या फिर इसके बेड शीट हुआ, लीलन हुआ, यूटेंसिल हुआ, उनको शेयरिंग नहीं करना है, उस पर्सन का दूसरे पर्सन को यूज नहीं करनी है हमेशा। आगे बात करते हैं, आइसोलेशन करना होता है, लेकिन आइसोलेशन कब नहीं करना होगा, 48 घंटे के बाद में अगर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया तो उसके 48 घंटे के बाद में आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है। अब जो भी वार्म क्रिस्टल बने थे यहाँ पर, जो हनी कलर्ड के क्रिस्टल बने थे, उनको रिमूव करने के लिए वार्म सलाइन का यूज करना है। तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से आपका फर्स्ट डिजीज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो। सेकेंड डिजीज की बात करने वाले हैं, तो सेकेंड डिजीज रहने वाला है आपका स्कैबीज। अब आपने स्कैबीज के बारे में सुना होगा, स्कैबीज किसकी वजह से होता है, तो मेनली ये पैरासाइटिक डिजीज होती है, पैरासाइट की वजह से देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो सार्कोप स्कैबिया या इचमाइट से फैलती है। तो स्कैबीज क्या है, इट इज ए पैरासाइटिक डिजीज होते हैं, पैरासाइटिक डिजीज या पैरासाइटिक इंफेक्शन ऑफ द
स्किन स्किन का क्या होता है, एक पैरासाइट की वजह से होने वाला इन्फेक्शन होता है। बात करें अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की कि किसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका सार्कोप्टे स्केबियाई होता है, वो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा। तो पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं यहां पर सार्कोप्टे स्केबियाई होता है, ये इसका क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एजेंट होता है सार्कोप्टे स्केबियाई, या इसी को नाम से जाना जाता है इच माइट या सार्कोप्टे स्केबियाई के नाम से इसको जानते हैं। तो ये मेनली पॉजिटिव एजेंट होता है, यहाँ पर सार्कोप्टे स्केबियाई के नाम से इसको जाना जाता है और इसे ही नाम दिया जाता है इच माइट के नाम से जानते हैं। आप बात करते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनिशियली जो फीमेल पैरासाइट होती है वो क्या करती है, बॉडी में एंटर करती है, स्किन में एंटर कर जाती है। तो बात करें अगर यहाँ पर देखिए, मैं बात करूं अगर इसके बीच का, तो मेनली जो इसके बीच देखने को मिलती है इंटर डिजिट फिंगर्स के बीच में, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केबीज की मोस्ट कॉमन कौन सी साइट होती है जहां पर मेनली स्केबीज देखने को मिलती है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केबीज ये देखने को मिलेगा इंटर डिजिट का मतलब होता है इंटर डिजिट इन फिंगर्स में जो इंटर डिजिट पाई जाती है या फिंगर प्रिंट्स होती है इनके बीच में मेनली देखने को मिलती है। तो इसके भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड करता है इंटर डिजिट के बीच में, जहां पर आपकी उंगलियां होती है और उसके बीच में जो स्केप पाया जाता है इस स्पेस में सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड करती है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इन बिटवीन द इंटर डिजिट इन फिंगर्स, और ये मेनली अफेक्ट कर देती है, कहां पर अफेक्ट करेगी, तो दो जगह मेनली एक प्यूबिस में करती है या प्यूबिक एरिया में करेगी, और मेनली किसमें करती है, इंटर डिजिट फिंगर्स में। तो दो जगह इसका सबसे ज्यादा इंफेक्शन देखने को मिलता है। अब बात करें किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले फीमेल पैरासाइट आएगी और यहां पर स्किन में क्या कर जाएगी, वो एंटर कर जाती है। उसके बाद में जैसे ही वो स्किन में एंटर करेगी और धीरे धीरे यहां से मान लीजिए एंटर किया, आपको समझाने के लिए यहां पर मान लीजिए कोई पैरासाइट आई और फीमेल पैरासाइट आकर के यहां पर एंट्री किया उसने स्किन में, और धीरे धीरे क्या होगा, अब यहां से एंटर करके वो यहां तक आएगा और यहां से क्या देखने को मिलेगा कि फीमेल पैरासाइट एंटर करता है स्किन में, उसके बाद में मूव फॉरवर्ड करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने एग्स होते हैं उनको स्किन में डिपोजिट करता जाता है। तो ये धीरे धीरे यहां पर एग्स वो क्या करने लग गया, इसके अंदर डिपोजिट करने लग जाएगा, उसके बाद जो फीमेल पैरासाइट थे वो क्या हो जाती है, डेड हो जाएगी। अब जो यहां से फीमेल पैरासाइट एंटर किया, धीरे धीरे उसने आगे बढ़ती गई और अपने जो एग्स है उनको इसमें डिपॉजिट करती गई अंडर द स्किन में। अब उसके बाद में जो फीमेल पैरासाइट थे वो डेड हो जाती है, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर 4 to 6 days 4 to 6 दिन के बाद में क्या बन जाते हैं, मेच्योर। अब जो एग्स थे वो क्या होंगे, यहां पर रप्चर होंगे और जो 4 to 6 दिन बाद में मेच्योर पैरासाइट फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो की पूरी प्रोसेस यही होती है, एक फीमेल पैरासाइट आएगी यहां पर आपकी बॉडी में एंटर करेगा स्किन में, और स्किन में एंटर करके ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और अपने जो एग्स होते हैं उन एग्स को बॉडी के अंदर यहां पर स्किन के नीचे अंडर द स्किन यहां पर डिपोजिशन करता रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। कुछ दिन बाद में फीमेल पैरासाइट होती है वो डेड हो जाती है और 4 to 6 दिन बाद में जो पैरासाइट उन्होंने रिलीज हो जाते हैं वहां से जो एग्स से वो रप्चर होकर के एक मेच्योर पैरासाइट बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसका क्रम चलता है या इसकी प्रोसेस या इसकी लाइफ साइकिल चलती है। बात करें अगर इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, किसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेगा या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रूराइटिस होता है। प्रूराइटिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा इसमें एक्सेसिव खुजली देखने को मिलती है, एक्सेसिव ईचिंग होती है। तो आप प्रूराइटिस को ईचिंग लिख सकते हैं कि प्रूराइटिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव यहां पर ईचिंग देखने को मिलेगा। रैसेस बन जाते हैं, तो पैपुलर यहां पर रैसेस बनेंगे। वहां पर बात करी थी इंपैटिको में मैक्यूलो पैपुलर बनते हैं, लेकिन यहां पर पैपुलर रैशेज बनते हैं, तो यहाँ पर पेपुलर रैशेज बनेंगे। बात करें अगर थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर एक लाइन बनती है और उसे नाम दिया जाता है ग्रे इस रेड ब्यूरोज लाइन बन जाएगी, ग्रे इस रेड
ग्रेइश रेड ब्यूरोज होती है, ये एक लाइन बन जाती है, ग्रेइश रेड ब्यूरोज बन जाएगा। अब ग्रेइश रेड ब्यूरोज में क्या देखने को मिलता है, तो ग्रेइश रेड ब्यूरोज का मतलब होता है जहां से भी पैरासाइट एंटर किया था और जहां तक पैरासाइट जाता है स्किन के अंदर में, वहां पर एक लाइन बन जाती है, इसे ही ग्रेइश रेड ब्यूरोज के नाम से जानते हैं। तो ग्रेइश रेड ब्यूरोज क्या होती है, इट इज ए लाइन, एक लाइन होती है जहां से पैरासाइट एंटर करता है। अब मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां पर पैरासाइट एंटर किया और यहां से लेकर ये यहां तक चला है, तो इसके नीचे स्किन के ऊपर एक लाइन बन जाती है, जहां से पैरासाइट चल करके एंड तक जाता है वहां पर एक लाइन बन जाती है, उसे ही ग्रेइश रेड ब्यूरोज के नाम से जानते हैं। तो ये बात हो गई है, आगे बढ़े अगर इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें कि इसके भी इसका मैनेजमेंट क्या देखने को मिलेगा, तो बात करें अगर इसके मैनेजमेंट की, तो सबसे ज्यादा आपको यूज करना होता है यहाँ पर परमेथ्रिन का यूज करना पड़ेगा, लेंडेन ऑइंटमेंट का यूज करना है, परमेथ्रिन का यूज करना है। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट क्या देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर परमेथ्रिन ऑइंटमेंट होता है, परमेथ्रिन ऑइंटमेंट होगा, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बात करें यहां पर इसके अलावा लिंडेन ऑइंटमेंट का यूज किया जा सकता है, लिंडेन ऑइंटमेंट का यूज करेंगे, लेकिन लिंडेन ऑइंटमेंट होता है लेस देन 2 इयर्स में, ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन लेस देन 2 इयर्स, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लेस देन 2 इयर्स में, 2 साल से छोटे बच्चों में ये क्या देखने को मिलेगा, मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये क्या कर सकता है 2 साल से छोटे बच्चों में, न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा सकता है, 2 साल से छोटे बच्चों में न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा सकता है और उसमें क्या करवा सकता है, सीजर करवा सकता है। तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा। यहां पर बात करते हैं परमेथ्रिन ऑइंटमेंट के बारे में, लिंडेन ऑइंटमेंट के बारे में, तो लेस देन था 2 साल से, अगर 2 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, लिंडेन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जाकर के न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा सकता है और वहां पर क्या करवा सकता है, बच्चे में सीजर कोज कर सकता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जा सकता है। बात करें आइवरमेक्टिन की, यहां पर टैबलेट दी जाती है, तो टैबलेट आइवरमेक्टिन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर टैबलेट होती है, आइवरमेक्टिन दी जाती है, तो यहाँ पर टैबलेट आयरन ओरल से क्या देंगे, अब टैबलेट है ओरल से देते हैं, आइवरमेक्टिन थेरेपी देते हैं। बात करें एंटीस्टामाइन ड्रग टू डिक्रीज द इचिंग, यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, एंटीस्टामाइन टू डिक्रीज इचिंग, ईचिंग को कम करने के लिए एंटीस्टामाइन का यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ईचिंग को कम किया जा सकता है। तो ये मेनली देखने को मिलेगा। परमेथ्रिन का यूज करते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मानी जाती है, लिंडेन होती है, लिंडेन को 2 साल से छोटे बच्चों में नहीं देते हैं, क्योंकि ये सीजर करवा सकता है या उसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा सकता है। टैबलेट ओरल थेरेपी देते हैं, आइवरमेक्टिन की देंगे। बात करें एंटीस्टामिनिक का, तो एंटीस्टामिनिक वो एजेंट होते हैं जो कि जाकर के ईचिंग होती है या फिर जो भी आपके सबस्टांस होते हैं या उसकी जो बॉडी का रेस्पॉन्स होता है उसको कम कर देते हैं, ईचिंग को कम करते हैं, एंटीस्टामिनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी एलर्जी होती है उनको कम करने के काम में आते हैं, इन्हें एंटीस्टामिनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, तो आइसोलेट कर दो पेशेंट को, मेंटेन द कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस, यहां भी आपको यूज करना है, क्योंकि ये भी क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। कॉल चलाइन का यहां पर यूज करना है, जिससे की वजह से रिड्यूस द एंजाइटी। अब आपने देखा था इम्पेटिको में वार्म सलाइन का यूज किया था, क्योंकि वहां पर आपको जो भी क्रिस्ट बने थे और हनी कलर्ड क्रिस्ट को हटाना था, उसके लिए वार्म यूज करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कॉल्ड सलाइन का यूज करना है, ताकि उसको क्या किया जा सके, डिक्रीज द ईचिंग को कम किया जा सके। जब भी ईचिंग होती है तो उसका रेस्पॉन्सिव होता है, उसको कम करना होता है। तो जब भी आपका इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स को कम करोगे, तो वहां पर जब भी कॉल्ड देते इम्यून सिस्टम होता है वो
सप्रेस हो जाता है और इसीलिए इसमें इचिंग को कम करने के लिए कॉल्ड कंप्रेस का यूज किया जाता है। तो ये आपके दो टॉपिक है या दो डिजीज है वो कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं थर्ड डिजीज के बारे में, एक्जिमा के बारे में बढ़ेंगे या इसे ही नाम दिया जाता है। एक्जिमा इज ऑल्सो नोन एज द एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से इसको जानते हैं। आगे बात करें ये किसकी वजह से होता है, तो ये मेनली देखने को मिलेगा ये एक एलर्जिक कंडीशन होती है या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जी का एक ही इलाज होता है कि आप जो भी एलर्जी होती है जिससे भी उसको क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पर एक्जिमा इज ऑल्सो नोन एज द एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से मेनली देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा। इन दिस कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। तो यहाँ पर अगर स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो एटोपिक, अगर किसी एलर्जी की वजह से स्किन का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट की बात करेंगे, जहां पर आपने मोस्ट कॉमन साइट की बात करें इम्पेटिको में तो मेनली फेस पर होती है, अराउंड द नोज और द माउथ के आसपास होती है। बात करें इसके बीच के मोस्ट कॉमन साइट की बात करी तो वह इंटरबिटवीन द इंटर डिजिट फिंगर और द प्यूबिक में पाई जाती है, प्यूबिक एरिया में। बात करें सेकंड नंबर पे, बात करते हैं यहां पर अब एक्जिमा के बारे में। तो एक्जिमा क्या है, उसमें मोस्ट कॉमन साइट होती है तो वहां पर एंटीक्यूबाइटल फोसा होगा जो कि मेनली एल्बो पर पाया जाता है। बात करें पॉपलिटियल फोसा में पाई जाती है, पॉपलिटियल फोसा नी के पीछे वाला जो फोसा होता है उसे पॉपलिटियल फोसा कहते हैं। और पॉपलिटियल फोसा में कौन सी आर्टरी होती है, पॉपलिटियल आर्टरी पाई जाती है। बात करें अगर एंटीक्यूबाइटल फोसा में कौन सी आर्टरी पाई जाती है तो वहां पर ब्रेकियल आर्टरी पाई जाती है। ये सभी मेनली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं साथ में आपके आर्टरी को भी लपेटने वाला हूं कि कौन सी आर्टरी होती है, कहां पर पाई जाती है। थर्ड नंबर की डिजीज है एक्जिमा या फिर इसे ही एटोपिक डर्मेटाइटिस। एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक्जिमा क्या है और एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है, इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं कि एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होती है, इट इज ए एलर्जिक कंडीशन होती है। ये क्या है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। एलर्जिक रिएक्शन या फिर एलर्जी कंडीशन होती है मेनली कहां पर देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहां पर एलर्जी कंडीशन हो जाती है तो इसमें मेनली आपका क्या देखने को मिलता है, तो एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस में एलर्जिक रिएक्शन होती है। क्या होगा इसमें, इन दिस कंडीशन में इंफ्लामेशन ऑफ द डर्मिस का क्या हो जाता है, इंफ्लामेशन हो जाता है। तो इन दिस कंडीशन इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस, इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है डर्मिस का, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो एक एलर्जिक रिएक्शन होती है। इन दिस कंडीशन में इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस, इसमें क्या हो जाएगा, डर्मिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर बात करें इसके मोस्ट कॉमन साइट के बारे में, किसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सा देखने को मिलेगी, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है, ये मेनली पाया जाता है एंटीक्यूबाइटल फोसा और सेकंड नंबर पे होती है पॉपलिटियल एंटीक्यूबाइटल फोसा और पॉपलिटियल फोसा में ये पाई जाती है। तो एंटीक्यूबाइटल फोसा कहां पर पाया जाता है, तो एंटीक्यूबाइटल फोसा जो आपके यहां पर जो नी होती है, सॉरी जो आपकी एल्बो होती है, एल्बो के ऊपर में जहां पर जॉइंट होता है एल्बो जॉइंट, और यहां पर जो फोसा पाया जाता है इसे ही नाम दिया जाता है एंटीक्यूबाइटल फोसा के नाम से जानते हैं। यहां पर मेनली ब्रेकियल आर्टरी पाई जाती है, और यहां पर जब भी आप बीपी लेते हैं हैंड से तो यहां पर किसको यूज करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी को यूज किया जाता है। मेनली क्वेश्चन आता है तो एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है कहां पर पाया जाता है, यह होता है आपका एल्बो पर पाया जाएगा। बात करते हैं अगर पॉपलिटियल फोसा की, तो यह कहां जाता है, पाया जाता है नी, आपका जो
घुटने होते हैं, नी होते हैं, उनके पीछे जो फोसा पाया जाता है उसे ही पॉपलिटल फोसा कहते हैं। मेनली यहाँ पर कौन सी आर्टरी पाई जाती है? पॉपलिटल आर्टरी पाई जाती है। बात करें अगर यहाँ पर मेनली आर्टरीज के बारे में कौन कौन सी आर्टरी होती है, तो सबसे पहले एपिकल आर्टरी, एपिकल पल्स पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है, अपेक्स ऑफ द हार्ट में देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कैरोटिड आर्टरी की, तो यहाँ पर कैरोटिड और पॉपलिटल आर्टरी भी देखने को मिलती है। कैरोटिड आर्टरी की बात करेंगे तो कैरोटिड आर्टरी होती है। बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, उसके बाद में आती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, जो कि मेनली यूज की जाती है। कहां पर यूज करेंगे? इन्फेंट में अगर आपको क्या करना है, सैंपलिंग करनी होती है या फिर एबीजी करना होता है, तो एबीजी के लिए मेनली यूज करते हैं इन्फेंट में। ब्रेकियल आर्टरी का यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद में रेडियल आर्टरी आती है, और रेडियल आर्टरी होती है किस साइड देखने को मिलती है? थंब साइड में रेडियल आर्टरी पाई जाती है। बात करें अल्नार आर्टरी की, तो अल्नार आर्टरी होती है कौन सी साइड होती है? लिटिल फिंगर की साइड में अल्नार होती है, थंब की साइड में रेडियल होती है, एंटीक्यूबाइटल फोसा में ब्रेकियल होती है, एक्सिलरी होती है एक्सिला में पाई जाती है, एपिकल होती है वो पल्स अपेक्स ऑफ द हार्ट में देखने को मिलेगी। उसके बाद में फीमोरल आर्टरी होती है, जो कि मेनली आपके जहां पर प्यूबिक एरिया पर पाई जाती है, यहां पर जंक्शन पे पाई जाती है। आगे बात करें नी के पीछे पाई जाती है, यहाँ पर जो पॉपलिटियल आर्टरी होती है, जहां पर पॉपलिटियल फोसा पाया जाता है उसके पीछे नी पर पाया जाता है, वहां पर पॉपलिटियल आर्टरी होती है। नीचे बात करेंगे एंटीरियर टीबियल आर्टरी, सॉरी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी होती है, उसके बाद में देखने को मिलती है आपका। तो इस तरीके से आर्टरीज होती है, उनका कॉमनली पोजीशन होती है या कहां कहां पर इनका कॉमन साइट होती है जहां पर आर्टरीज पाई जाती है, इन सभी के बारे में डील कर लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या देखने को मिलेगा? एक्जिमा के अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें या फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, साइन एंड सिम्टम की बात करें, तो ये एक इन्फेक्टियस डिजीज नहीं होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? प्रूराइटिस होता है, पेपुलर रेसेस डेवलप हो जाएंगे, प्रोग्रेस इनटू द वेसाइकल, और इसमें जो क्रिस्टल बनते हैं वो वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन देखने को मिलेगा। तो यहां पर कौन से क्रिस्टल बनते हैं? वीपिंग एंड क्रस्टिंग, वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वीपिंग एंड हनी कलर्ड क्रिस्टल बन रहे थे, इम्पेटिको में बन रहा था, यहाँ पर वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में क्या होगा? यहाँ पर प्रोराइटिस देखने को मिलेगा, इचिंग होती है, यहाँ पर मैक्यूलो पेपुलर रैसेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर रैसेज कौन से होते हैं? पेपुलर रैसेज होंगे, और वो किसमें डेवलप हो जाते हैं? पेपुलर रैसेज, और ये आगे चल करके कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? तो वेसाइकल। अब वेसाइकल क्या होता है? फ्लूड फिल्ड हुआ, जहां पर पेपुलर में, पेप्यूल में अगर फ्लूड भर जाता है तो उसे वेसाइकल के नाम से जानते हैं। वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस करके वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सभी देखने को मिलते हैं, इसके साइन और सिम्टम होते हैं। बात करें मेडिकल मैनेजमेंट का, तो उसमें एंटीस्टामाइन और एंटीस्टामाइन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में, बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो मेनली आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट में क्या देना है? एंटीस्टामाइन देनी है, एंटीस्टामाइन दिया जाता है, और इसके साथ में क्या देते हैं? स्टेरॉइड्स देते हैं। तो जा करके क्या कर देंगे? रिएक्शन होती है, जो भी इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करेंगे? सप्रेशन का काम करते हैं। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं और एंटीस्टामाइन क्या करते हैं? ये दोनों जाकर के बॉडी का जो भी हाइपर रेस्पॉन्सिव इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको जाकर के कम कर देते हैं, और किसको? जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उसको कम कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो एलर्जिक सबस्टांस जो भी होता है उसको अवॉइड करना है, जिससे भी आपको एलर्जी है उस सबस्टांस को अवॉइड करना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात होती है। अवॉइड द टॉक्सिक सोप एंड कॉस्मेटिक। तो यहां पर क्या क्या करना है? अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो अवॉइड द टॉक्सिक सबस्टांस, टॉक्सिक सबस्टांसेज को क्या करना है, या फिर जो भी एलर्जिक सबस्टांसेज होते हैं उनको क्या करना है? अवॉइड करना है, और अवॉइड करना है टॉक्सिक सबस्टांस, जिसमें मेनली आता है आपका सोप एंड कॉस्मेटिक के सामान होते हैं। आपको किस किस को अवॉइड करना है? तो अवॉइड करना है टॉक्सिक सबस्टांस लाइक दैट द सोप एंड कॉस्मेटिक्स,
कॉस्मेटिक का मतलब होता है जो भी आपके सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ाने की, जो भी आपको सुंदरता बढ़ाने के लिए जो भी आप यूज करते हैं अपनी सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ाने के लिए, उन्हें कॉस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। तो आपने सर ये क्या कह दिया कि यहाँ पर मेनली यहाँ पर चाहे खुजली चल लो, यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हो लो, लेकिन पापा के परी यहाँ पर कॉस्मेटिक का यूज करना बंद नहीं करती है। सौंदर्य अपनी सौंदरता को बढ़ाए रखने के लिए वो अपने यहाँ पर ईचिंग सहन कर सकती है, प्रोडाइटिस सहन कर सकती है, या किसी भी तरीके का पेन होगा उसको सहन कर लेगी, लेकिन अपनी सौंदरता में अपनी ब्यूटी में कभी कमी नहीं आने देगी। वह बार बार में क्या करती है यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का या फिर सौंदर्य प्रसाधन बढ़ाने की चीजों का यूज करती है, और उसकी वजह से भी हो सकता है, और मेनली आपको अवॉइड करना है एलर्जिक जो भी रिएक्शन होती है, जो भी एलर्जिक सबस्टांसेज है उनको अवॉइड करना है, जो भी आपके एलर्जिक सबस्टांसेज है उन सभी को क्या करना होता है यहाँ पर अवॉइड करना होता है। तो ये आपका क्या हो गया है, एक्जिमा हो गया है, इसे एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, मेनली एलर्जी की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा इंफ्लामेशन हो जाता है डर्मिस का, इसीलिए इसे एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। बात करें यहाँ पर क्रिस्टल कौन से बनते हैं, तो वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन देखने को मिलेगा। बात करें इसमें प्रोडाइटिस या इचिंग होती है, पेपुलर रैशेस बनेंगे जो कि आगे चलकर के कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, वेसिकल में। आगे बात करें मैनेजमेंट में, तो इसमें एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड देते हैं, तो वो जाकर के क्या करते हैं जो भी आपका हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स होता है या हाइपर रेस्पॉन्सिव जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करने का काम करेंगे। इसमें क्या करना है, अवॉइड करना है कॉस्मेटिक सामान को, जो भी आपके सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती है उनको अवॉइड करना है। मेनली हिदायत दी जाती है पापा की परियों को यहाँ पर अवॉइड करना है, यहाँ पर एलर्जिक सबस्टांसेस को यहाँ पर अवॉइड करना है। तो ये आपका पूरी तरीके से एक्जिमा आपने डील कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पेडिकुलोसिस के बारे में। अब सबसे शानदार जानदार जिंदाबाद चीज आने वाली है, जो कि आपने कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में आपने इसका सामना किया होगा, मेनली उन लोगों ने किया है जो कि बड़े बड़े बाल लेकर के इधर से उधर घूमते फिरते हैं, लंबा हेयर स्टाइल रखते हैं, जिनके बड़े बड़े बाल रखते हैं, मेनली पापा की परियों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तो पापा के परे हैं उनके तो फिर भी छोटे छोटे बाल रहते हैं, डेली नहाते हैं और तो साफ हो जाते हैं, लेकिन पापा की परियां होती है दो चार दिन में अपना सर धोती है, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे क्या हो जाती है वहां पर पेडिकुलोसिस डेवलप हो जाती है। तो पेडिकुलोसिस क्या है, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं पेडी कुलोसिस के बारे में। अब पेडिकुलोसिस है बहुत ही ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब थोड़ी देर में जैसे मैं यूज करने वाला हूं अब इस ट्रिक को सब समझ जाएंगे। तो बात करते हैं पेडिकुलोसिस के बारे में। तो पेडिकुलोसिस एक लाइस का इंफेस्टेशन होता है ऑन द बॉडी, बॉडी में अगर लाइस का इंफेस्टेशन हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है पेडिकुलोसिस। तो ये क्या होती है, एक इट इज ए लाइस इंफेस्टेशन, लाइस इन्फेस्टेशन ऑन बॉडी, बॉडी पर अगर लाइस का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है पेडिकुलोसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको देखा होगा कि जो भी बड़े बाल रखते हैं, चाहे पापा की परियां हो चाहे पापा के परे भी बड़े बड़े बाल लेकर घूमते हैं, तो मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप इसका प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, यहाँ पर पेडिकुलोसिस डेवलप हो जाती है। इसका मतलब होता है लाइस का इन्फेस्टेशन होता है। लाइस क्या होती है, तो आपने बचपन में देखा होगा कुछ इस तरीके की छोटी छोटी आपके सर में क्या पड़ जाती है, जुए पड़ जाती है, और उन जू को ही नाम दिया जाता है लाइस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी के पर्सन में, किसी के सर में, किसी के बॉडी हेयर में या किसी के प्यूबिक हेयर में अगर लाइस का इंफेस्टेशन हो जाता है, वहां पर अगर जू पड़ जाती है या फिर जो भी उसकी जो इमेच्योर फॉर्म होती है व्हाइट कलर का सबस्टांस जो कि साफ्ट ऑफ द हेयर से अटैच रहता है, उन्हें नीड्स के नाम से जानते हैं, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा व्हाइट कलर की होती है जिसको कि लीक के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। अब अगर यहाँ पर ये कुछ देखने को मिलता है किस तरीके से इसका केयर करनी है, तो बात करेंगे ये एक क्या होता है, लाइस इन्फेस्टेशन होती है बॉडी पर, उन्हें नाम दिया जाता है पेडिकुलोसिस के नाम से जानते हैं। तो जो मेच्योर फॉर्म होता है इसका वो लाइस कहलाता है। अब इसका क्या होगा, एक ये मेच्योर फॉर्म होती है लाइस एंड माइनर फॉर्म होती है पेडिकुलोसिस के, उन्हें नीड्स के नाम से जानते हैं। तो मेजर फॉर्म क्या है,
या फिर बात करें मेच्योर फॉर्म होती है उन्हें क्या नाम से जानते हैं तो ये क्या कहलाती है, मेच्योर फॉर्म को लाइस कहते हैं। और बात करें अगर यहां पर इमेच्योर फॉर्म होती है या फिर जो माइनर फॉर्म होती है, माइनर या इनको नाम दे सकते हैं इमेच्योर फॉर्म ऑफ लाइस, लाइस या जूकी जो इमेच्योर फॉर्म होती है उन्हें निड्स के नाम से जानते हैं। तो निड्स का मतलब होता है लीक के नाम से जाना जाएगा, और लाइस होती है वो क्या होती है, जू होती है जो कि आपके सर में कभी ना कहीं, अभी नहीं तो मान लीजिए बचपन में तो पड़ी होगी, यहां पर आपने आपके सर से नहीं दूसरों के सर से तो आपने पेडिक्लोसिस या लाइस को निकाला होगा। यहां पर आपने अपने आस पास में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों के, अपने परिवार वालों की एक दूसरे से निकाल निकाल करके उनको मारा करते थे, वही आज आप पढ़ रहे हो पेडिक्लोसिस के नाम से इनको जाना जाता है। अब बात करें अगर यहां पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहला तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही होता है कि जब भी सर में जू होती है, लीक होती है, पेडिक्लोसिस होता है, निड्स होता है, लाइस होती है, तो वहां पर क्या करती है, जैसे वो जाकर के क्या करेगी, बाइट करती है, तो वहां पर क्या होती है, खुजली चलती है। तो आपने बचपन में ऐसे ऐसे करके पूरी तरीके से सर को अच्छी तरीके से खुजाला होगा, तो सबसे पहले तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ईचिंग देखने को मिलती है, और जो भी लाइस होती है या फिर आपकी जो नीड्स होती है वो आपका खून चूस चूस करके खा जाती है। आपने बचपन में आपके घर वालों से सुना होगा कि बेटा जुए निकाल लो नहीं तो पूरा खून पी जाएगी आपका, तो ये क्या कर देती है, ब्लड का लॉस करवा देती है। अब जब ब्लड का लॉस होगा तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है, अगर आपने केयर नहीं करी है तो आप में एनीमिया करवा सकती है, क्योंकि वो क्या करती है अपना आपका जो खून होता है या ब्लड होता है उसको क्या कर देती है, सक करके एनीमिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है, तो ये आपको मेनली याद रखना है। अब बात करें सबसे ज्यादा इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, टाइप्स ऑफ द लाइस के बारे में, या जो भी आपकी पेडिक्लोसिस होती है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ द पेडिक्लोसिस, पेडिक्लोसिस या जूके या लाइस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है, मानते हैं पेडिक्लोसिस कैपिटस, पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस एंड पेडिक्लोसिस क्रूरिस के नाम से जानते हैं। तो बात करें यहां पर पेडिक्लोसिस कैपिटलिस, पेडिक्लोसिस कैपिटलिस सेकंड नंबर पे बात करते हैं पी से पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस, पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस एंड थर्ड पे आता है पेडिक्लोसिस क्रूरिस। बात करें यहां पर पेडिक्लोसिस कैपिटस का मतलब क्या होता है, तो यहां पर लाइस इन्फेस्टेशन, अगर लाइस का इन्फेस्टेशन हुआ है हेड में, अगर यहाँ पर हेड में अगर लाइस का सर में अगर जुए पड़ जाती है तो उसे नाम दिया जाता है कैपिटस के नाम से जानते हैं, कैपिटस का मतलब ही होता है सर, तो यहाँ पर पेडिकुलोसिस कैपिटस का मतलब होगा लाइस इन्फेस्टेशन इन द हेड में, अगर लाइस का इन्फेस्टेशन है तो उसे नाम देते हैं पेडिकुलोसिस कैपिटस। बात करें पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस का, तो पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस का मतलब होता है लाइस इन्फेस्टेशन, लाइस इन्फेस्टेशन ऑन बॉडी हेयर, अगर बॉडी के हेयर्स पर कहीं पर, बॉडी हेयर्स पर अगर कहीं किसी तरीके का लाइस का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसे नाम देते हैं पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस। लेकिन बात करें पेडिक्लोसिस क्रूरिस क्या होता है, तो लाइस इन्फेस्टेशन, लाइस इन्फेस्टेशन ऑन द प्यूबिक हेयर, अगर प्यूबिक हेयर में अगर यहां पर क्या हो जाती है लाइस का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उन्हें पेडिक्लोसिस क्रूरिस के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे यहाँ तीन टाइप की होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है पेडिक्लोसिस पेडिक्लोसिस कैपिटस क्या होगा, तो लाइस का इन्फेस्टेशन होता है हेड में, अगर लाइस का इन्फेस्टेशन होता है तो उसे नाम दिया जाता है पेडिक्लोसिस कैपिटस के नाम से जानेंगे। सेकंड नंबर पे आता है पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस, तो पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस में क्या देखने को मिलेगा, लाइस इन्फेस्टेशन ऑफ द बॉडी हेयर, अगर हाथ पैरों में या आपके शरीर में कहीं पर लाइस का इन्फेस्टेशन हो जाता है हेयर्स में तो उसे पेडिक्लोसिस कॉर्पोरिस कहते हैं। बात करें पेडिक्लोसिस क्रूरिस का, तो पेडिक्लोसिस क्रूरिस में लाइस इन्फेस्टेशन ऑफ द
प्यूबिक हेयर, अगर आपके प्यूबिक हेयर में इंफेस्टेशन हो जाता है लाइस का, तो उन्हें पेटिकुलोसिस क्रूरिस के नाम से जानते हैं। बात करें इसके मैनेजमेंट का, तो परमेथ्रिन होती है, परमेथ्रिन सोप एंड शैम्पू का इसमें यूज किया जाता है, तो इसका भी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है परमेथ्रिन होती है। अब यहाँ पर आपके गांव में तो बहुत सी चीजें यूज की जाती है, मेरे को भी पता है, मैंने भी देखा है गांव में सभी के बच्चों में जो मेनली देखने को मिलता है ये लाइस का इंफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में या इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, परमेथ्रिन का यूज किया जाएगा, परमेथ्रिन सोप एंड शैम्पू, परमेथ्रिन सोप और शैम्पू का यूज करते हैं और उनको मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो अब क्या करना है यहाँ पर परमेथ्रिन का, आप सेकंड पे बात करते हैं तो देसी गांव में क्या क्या इलाज हो सकते हैं, आप एक एक कमेंट करके आपके गांव में जो भी उपचार किया जाता है पेडिक्लोसिस को ट्रीट करने का है, उनको मारने के लिए, वो एक एक कमेंट करके आप अपने कमेंट आपका कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई इसमें क्या लगाता है, कोई केरोसिन लगाता है, कोई नारियल का तेल लगाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो जो भी आपका आपके लिए टारगेट है, जो भी आपके गांव में इस तरीके का यूज किया जाता है पेडिक्लोसिस के लिए, ताकि किसी का भला हो सके, किसी और पर्सन में जाकर के कोई यूज कर सके तो उसका भला होगा, तो आपका भला वो करेगा वो। तो अगर यहाँ पर आपको पता है तो सभी आपको ट्रीटमेंट इसका बताना है। परमेथ्रिन सोप एंड शैम्पू होता है, यह इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है। अब एडवाइज करना है पेशेंट को, वो किसी के साथ में सर से सर लगा करके ना सोए, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरियां बनाकर रखे, उसके द्वारा जो भी आपके बेड्स होता है या फिर जो भी बिस्तर यूज किए जाते हैं उनको यूज नहीं करना है, उसके द्वारा जो कॉम यूज किया जाता है बाल को संवारने के लिए उसका यूज नहीं करना है, ये सभी उसको कहना है। बात करें एडवाइज करेंगे पेशेंट को कि क्लोज कॉन्टैक्ट बना करके नहीं रखना है, तो ये आपका पेडिक्लोसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले हैं अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक के बारे में, सोरियासिस के बारे में पढ़ेंगे। सोरियासिस और कल मैंने पढ़ाया था आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्न, तो बर्न की क्लास है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले आपने देखा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, ऐसा लगा था उस क्लास में कि पूरी की पूरी आपने पीडियाट्रिक को 1-1 करके पूरी तरीके से डिजीज को छोड़ करके बाकी सभी को पूरी तरीके से, ऐसा लगा उस क्लास में कि सभी को लपेटा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बर्न की क्लास जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासे है कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे ऊंचाई किस काम की, मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल दे किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं फिफ्थ डिजीज के बारे में, सोरियासिस। सोरियासिस के बारे में बात करते हैं। अब ये सोरियासिस क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मेनली ऑटो इम्यूनिटी की वजह से देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन की, सुपरफिशियल लेयर होती है कौन सी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, तो एपिडर्मिस के खिलाफ में जो सुपरफिशियल लेयर कौन सी है, सबसे पहले कौन सी आती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस उसके नीचे आते हैं, बाद में बात करेंगे। तो सोरियासिस की बात करते हैं, सोरियासिस क्या है, इट इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है, ऑटोइम्यून के मतलब का बात करें कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, अब ऑटोइम्यून का मतलब क्या देखने को मिलेगा, तो ऑटोइम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक ऑटोइम्यूनिटी का मतलब होता है कि खुद की ही सेल के खिलाफ खुद का ही जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और वो सेल्फ की सेल को क्या समझने लग जाता है, अपना दुश्मन समझ करके उस पर अटैक करके उस सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो सेल की खुद की ही सेल्फ के खिलाफ में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी
डेवलप हो जाती है, तो खुद की ही सेल अगर खुद का ही इम्यून सिस्टम अगर खुद की ही सेल को डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है तो उसे ऑटो एंटीबॉडी के नाम से या ऑटो इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज इन विच ऑटो एंटीबॉडी या ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द सुपरफिशियल लेयर अगेंस्ट द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अगेंस्ट में क्या बन जाती है, एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और उसी को ऑटो इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इन दिस कंडीशन एक्सेसिव केराटिनाइजेशन होता है स्किन का। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन दिस कंडीशन एक्सेसिव केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन। स्किन का क्या होता है, एक्सेसिव केराटिनाइजेशन होता है, बार बार में स्किन होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होगा, बार बार में वापस से लेयर बनेगी और वापस से इसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये प्रोसेस होती है, बहुत जल्द चलने लग जाती है। मेनली सभी बॉडी की सेल्स होती है उनमें डिस्ट्रक्शन भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन ये हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, बार बार में स्किन होती है वो बनेगी, फिर वापस से उसकी लेयर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, फिर वापस बनेगी, डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें केराटिनाइजेशन होने लग जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, बार बार में स्किन में डैमेज होता है, बार बार स्किन का डेवलपमेंट होता है। बात करें यहां पर अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो उसमें मेनली देखने को मिलेगा वही प्रूराइटिस होता है, इचिंग देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस होता है, इचिंग देखने को मिलती है। और सेकंड वन की बात करें तो यहां पर सिल्वरी व्हाइट स्केली लीजन, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सिल्वरी व्हाइट स्केली लीजन, सिल्वरी व्हाइट स्केली लीजन किसमें देखने को मिलता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जहां पर इम्पेटिको में पढ़ा आपने कौन से लीजन बने थे, हनी कलर्ड क्रिस्ट देखने को मिला था, और यहां पर क्या बनते हैं, सिल्वरी व्हाइट स्केली लीजन देखने को मिलते हैं। एस फॉर सिल्वरी एंड एस फॉर यहां पर सोरियासिस याद रखना है, तो एस से सिल्वरी व्हाइट स्केली लीजन एंड एस से सोरियासिस को याद रखना है, क्योंकि पी इसमें साइलेंट होता है, तो एस से सिल्वरी एंड व्हाइट स्केली लीजन और एस से सोरियासिस को याद रखना है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये एक नॉन क्योरेबल डिसऑर्डर होता है, लाइफ टाइम हो गया अगर एक पर्सन को हो जाता है तो वो उसमें क्या होता है, लाइफ टाइम बना रहता है। ओनली सिम्टोमेटिक आप इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे प्रोडाइटिस हो रहा है एंटीस्टामाइन दे दो, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दे दो, अल्ट्रावायलेट रेज का इसमें यूज किया जाता है ताकि इसमें क्या हो, एक्सेसिव केराटिनाइजेशन को रोका जा सके। स्टेरॉइड देते हैं, एंटीस्टामाइन देते हैं, ये बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट या इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो ये क्या होता है, इट इज ए नॉन क्योरेबल का मतलब होता है एक बार हो गया तो लाइफ टाइम के लिए बॉडी में रहेगा, क्योर नहीं होता है, एक बार हो जाता है लाइफ टाइम के लिए रहती है, ऑटो एंटीबॉडी बन गई है लाइफ टाइम के लिए बनी रहती है। इसमें क्या होगा, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, या तो यहां पर आपको इम्यूनो सप्रेसिव देनी है। अब इम्यूनो सप्रेसिव कौन सी हो सकती है, स्टेरॉइड्स होता है जो कि क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव होती है, तो स्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटीस्टामाइन दे सकते हैं, एंटीस्टामाइन दिया जा सकता है। इसके साथ में और क्या दे सकते हैं, यूवी रेज दे सकते हैं, अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन दिया जा सकता है, या फिर यहां पर इम्यूनो सप्रेसिव स्टेरॉइड हो गया, एंटीस्टामाइन, ये सभी क्या होते हैं जो कि इसके क्लिनिकल जो सिम्टोमेटिक साइन एंड सिम्टम होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, स्टेरॉइड दे दो, एंटीस्टामाइन दे दो प्रोराइटिस के लिए, इम्यून सप्रेशन को कम करने के लिए, यहां पर स्टेरॉइड दे सकते हैं, या इम्यूनो सप्रेसिव में क्या आते हैं, मेनली स्टेरॉइड ही आते हैं,
तो स्टेरॉइड चलाते हैं ताकि इसका इम्यून रेस्पॉन्स था वो कम हो सके और ऑटो एंटीबॉडी बनी थी वो थोड़ा सा क्या हो सके, सांस ले सके। तो ये आपने क्या पढ़ लिया है आज पूरे स्किन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है। स्किन डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ा, इम्पैटिको पढ़ा जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, सेकंड नंबर पे पढ़ा बैक्टीरियल सॉरी पैरासाइट के डिजीज के बारे में, स्केबीज होती है पैरासाइटिक डिजीज होती है, सार्कोप्टिस्केमाई स्केबीआई या पेरिस्माइट से देखने को मिलती है, थर्ड नंबर पे उसको मोस्ट कॉमन साइट होती है इंटर डिजिट फिंगर और द प्यूबिक एरिया में देखने को मिलेगा। बात करिए आपने एक्जिमा के बारे में, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में, ये एक एलर्जी कंडीशन की वजह से देखने को मिलती है जिसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन का डर्मिस का इंफ्लेमेशन हो जाता है। आगे बात करें अगर अपन बात करी थी अपन ने फोर्थ नंबर में पेडिकुलोसिस के बारे में, पेडिकुलोसिस का जो भी आपके सर में या बालों में या कहीं पर भी जो लीज लाइज या फिर उसका जो नीड्स होती है उसका इन्फेस्टेशन होता है उसे नाम से जानते हैं पेडिकुलोसिस के नाम से जानते हैं। बात करी थी इसमें तीन टाइप की देखने को मिलती है पेडिकुलोसिस कैपाइटिस में कि इन्फेस्टेशन होता है लाइज का हेड में होगा। सेकंड नंबर पे बात करी आपने कॉर्पोरिस का, तो पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस होती है उसमें इन्फेस्टेशन होता है लाइज का किसमें देखने को मिलेगा, बॉडी हेयर में होगा। थर्ड नंबर पे बात करी थी प्यूबिक हेयर में अगर लाइज का इन्फेस्टेशन होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, पेडिकुलोसिस क्रूरिस के नाम से जाना जाता है। परमेथ्रिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, गांव में बहुत सारे इलाज करे जाते हैं, वो आपको कमेंट कर करके बताना है ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके, आपको बहुत सारी दुआएं देगा। आगे बढ़ते हैं सोरियासिस के बारे में, तो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें मेनली ऑटो इम्यूनिटी फॉर्म्ड हो जाती है किसके खिलाफ में, जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की उसके खिलाफ में अगेंस्ट में क्या बन जाती है, एक ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है। अब इसमें एक्सेसिव केराटिनाइजेशन होता है, प्रोराइटिस होगा, मेनली इसका जो मैनेजमेंट होता है नॉन क्यूरेबल होता है, एक बार हो गया तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं जहां पर आपको इचिंग हो रही तो उसके लिए एंटीस्टामाइन दे सकते हैं। बात करें इम्यून सिस्टम हाइपर रेस्पॉन्सिव है तो उसको इम्यून सप्रेशन करने के लिए स्टेरॉइड या फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दी जाती है, ये सभी इसका अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं ताकि जो भी आपका एक्सेसिव केराटिनाइजेशन था उसको रोका जा सके। ये सभी आपने स्किन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया है। अगर क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप कमी नहीं छोड़िए, मैं अपनी पूरी जोश जुनून और जज्बे में किसी तरीके का कोई कमी नहीं आने दूंगा। आने वाली हर देश दुनिया के एग्जाम में आपको क्या करना है, फाइट करना है, तो उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है, कभी भी आपको मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है, मेहनत को आप अपना हथियार बना लेंगे तो आने वाले हर संभव से हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आपको अपना लक्ष्य है वो मिलने वाला है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बस अत आप अपना मेहनत का कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए आपको रातों से बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में कभी भी संघर्ष या तकलीफ या फिर स्ट्रगल झेलना पड़ता है तो आप आराम से उसका सामना करिए, क्योंकि आज आपके लाइफ में जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा आप उतने ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगे और आपकी जो लाइफ होती है आने वाली लाइफ होगा उतनी ही आसानी से या उतनी ईजी होती चली जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो कभी संघर्ष से चर्चित नहीं हुआ, सॉरी जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं, जिंदगी हो या व्हाट्सएप लोग स्टेटस देते हैं, इसीलिए आपको अपना स्टेटस को मेंटेन करना है। आपने जो ख्वाब देखा था नर्सिंग ऑफिसर का तो नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही आपको नहीं रुकना है, नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है जहां पर आप किसी के लिए आइडियल बन सके, किसी के लिए आप आदर्श बन सके, वो वाला स्थान आपको पाना है तो उसके लिए आज मेहनत करनी है, मेहनत से जी नहीं जुड़ाना है। आज आपने सर झुकाकर पढ़ाई कर ली तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। अगर दिल ही लगाना है तो किताबों से लगाना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर जाएगी। इसलिए जो भी आपके जो अभी वैलेंटाइन डे वाला वीक चल रहा है इसको भूल करके सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत सारी एग्जाम है जो कि लगने वाली है, उन पर मेनली आपको फोकस करना है। आने वाले अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो आने वाली अगली साल भी आप वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, तो आपको वैलेंटाइन डे को भूल करके पहले अपना पूरा फोकस आपकी एग्जाम पे लगाना है। उसके बाद में जब आप सफल हो जाओगे आपको कहने वाला कोई नहीं है, जो जी चाहे आप कर सकते हैं, पूरी लग्जरी लाइफ जीने का आपको हक है, बशर्ते आप अपनी सफलता को एक बार पा लीजिए। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।